इस वीडियो में दो सबसे बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। एक एलटी ग्रेड में और जीआईसी के जितने भी यहाँ पर रिक्त पद हैं, समस्त अभी तक आयोग के जितने भी रिक्त पद हैं उनको भरने का यहाँ पर वेटिंग लिस्ट जारी करने का आदेश हाई कोर्ट ने जारी कर दिया है और इसके लिए आयोग के जो अधिकारी हैं उन्होंने हामी भी भर दी है। साथ में शिक्षक के जितने भी रिक्त पद हैं संवर्ग में या लिपिक के सभी जितने भी पद हैं उन्हें भरने का सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पर आदेश दे दिया है। तो दोनों अपडेट पर डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर रिक्त पदों को लेकर, जिस पर आप देख पाएंगे कि आज 29 जून 2021 को दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास ये ट्वीट किया गया है सीएम ऑफिस जियो यानी कि गवर्नमेंट यूपी से। बताया गया है कि शिक्षण संस्थानों में शिक्षक संवर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्तियों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए, इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सख्त यहाँ पर आदेश दिए हैं। यानी कि शिक्षक संवर्ग के जितने भी रिक्त पद हैं उन सभी को जल्द से जल्द भर लिया जाए और समस्त लोगों को नियुक्तियाँ दे दी जाएँ। अब बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड जीआईसी में जो वेटिंग लिस्ट है उनको नियुक्ति पत्र मिलेंगे, कैसे उनकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी। एलटी जीआईसी प्रतीक्षा सूची को लेकर के जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका डलवाई गई थी जगदीश जी और अजय जय सिंह भाई के नाम से, प्रतीक्षा सूची जारी करने को लेकर इस बात को कह दिया है, लोक सेवा आयोग के वकील ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि महोदय जितने विज्ञापित पद थे विज्ञापन के आधार पर हम जो है पदों को भरेंगे। तो साथियों, इस वीडियो में आपने सुना युवा मंच के अध्यक्ष अनिल महोदय जी ने यहां पर आपको बताया कि वेटिंग लिस्ट पर हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है, आज इस पर सुनवाई हुई है। अभी इसका छोटा आदेश आया है यानी कि स्टेटस समझ सकते हैं आप। इसका जो फाइनल आदेश है वो आपको 15 जुलाई यानी कि मिडिल जुलाई मिडिल में देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर पूरा आदेश जारी होगा और उसके बाद जितनी भी वेटिंग लिस्ट है इन सभी की, उन सभी वेटिंग लिस्टों पर मेरिट डाउन करके समस्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। ये बड़ी अच्छी खबर है क्योंकि वेटिंग लिस्ट जारी करने के लिए अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे थे, युवा मंच लगातार इसके लिए प्रयास कर रहा था। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है दोनों, तो समस्त अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी भरी है और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भी ज़्यादा है और उसके चलते समस्त बेरोजगारों को नौकरियाँ मिलनी चाहिए। अगली कोई अपडेट के लिए हम आपको साथ शेयर करेंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।